Myself, Dr. Manisha Mathur, Botany Department, SPCGCA. We were studying about plant tissues. In this series, we had earlier studied about simple tissues and started with complex tissues. Complex tissues are of two types, xylem and phloem. We had started with xylem. Xylem is the complex tissue which is responsible for conduction of water and minerals. In xylem, we had earlier studied about tracheids. Today we will discuss about vessels. Vessels jo hote hain, wo second element hai xylem ka. Tracheids and vessels, inko trachea bhi bolte hain. These are long cylindrical tube-like structures. एक खुले पाइप की तरह से या ट्यूब की तरह से होते हैं वेसल्स. वेसल्स की प्रेजेंस एक स्पेशल फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, क्योंकि वेसल्स सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पाई जाती हैं. वेसल इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब्स ऑफ वेरिंग लेंथ. अलग अलग साइज की ट्यूब लाइक जो सेल्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं, या ग्रुपिंग ऑफ मैनी ट्रैकीड्स, कई ट्रैकीड्स आपस में जुड़ जाती हैं और वेसल्स का निर्माण करती हैं. वेसल्स के अंदर जो परफोरेशंस होते हैं या छेद होते हैं वो एंड वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, सिरे वाली वॉल्स पे. ट्रैकीड्स के कंपैरिजन में वेसल्स आर स्मॉलर इन लेंथ, लंबाई में कम होते हैं. लार्ज इन विड्थ, ब्रॉडर होती है, चौड़ी होती है. मैच्योर वेसल्स डेड सेल्स होते हैं. लिग्निफाइड सेल्स होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग प्रकार की थिकनिंग्स पाई जाती हैं. लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ थिकनिंग्स. जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको कई तरह की थिकनिंग्स बताई थी, एन्यूलर, स्पायरल, रेटिक्यूलेट, पिटेड. तो ये अलग अलग टाइप की जो थिकनिंग्स हैं वो वेसल की वॉल्स पे पाई जाती हैं. जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, इन क्लाइंबर्स वेसल्स आर वेरी लॉन्ग. बड़ी लंबी लंबी वेसल्स पाई जाती हैं क्लाइंबिंग प्लांट्स में या क्लाइंबर्स में. अब जब वेसल्स का निर्माण होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, लेंथ ऑफ ट्रैकीड डिक्रीजेस. ट्रैकीड जो होती है उसकी लंबाई तो हो जाती है कम और चौड़ाई बढ़ जाती है और वेसल्स का निर्माण होता है. इन द डिजॉल्व वॉल्स, जो वॉल्स घुल जाती हैं बिटवीन वेसल्स, वन और मोर पोर्स आर प्रेजेंट. जो दो वेसल्स के बीच की जो वॉल होती है वो ये होती है, ये कहलाती है परफोरेशन प्लेट. परफोरेशन प्लेट, परफोरेशन प्लेट दो टाइप की होती है, सिंपल परफोरेशन प्लेट एंड मल्टीपल परफोरेशन प्लेट. सिंपल परफोरेशन प्लेट में सिर्फ एक छिद्र पाया जाता है, जबकि मल्टीपल परफोरेशन प्लेट में एक से अधिक छिद्र पाए जाते हैं. अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल्स, जो वेसल्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म. हमने आपको पहले भी कहा था कि एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं कि प्रेजेंस ऑफ वेसल्स. लेकिन कई प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स जैसे कि ड्रिमिस, टेट्रा सेंट्रॉन एंड ट्रोकोडेंड्रॉन, इन प्लांट्स के अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती. वेसल्स आर एब्सेंट. वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में भी वेसल्स एब्सेंट होती हैं. कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन जनरली इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स वेसल्स आर एब्सेंट. अब फंक्शन क्या है वेसल्स का? फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टुवर्ड्स द अपर पार्ट. नीचे जड़ों से लेके पौधे के ऊपरी भाग में पानी का और मिनरल्स का कंडक्शन करना, ये महत्वपूर्ण फंक्शन है. सेकंड फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. क्योंकि इनके ऊपर थिकनिंग पाई जाती है, बिकॉज लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है, इसलिए ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. तो ये फंक्शन हो गए हैं वेसल्स के. तो अभी हमने देखा ट्रैकीड्स और वेसल्स.
दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जाइलम के, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ट्रैकीड्स पतली होती हैं और लंबी सेल्स होते हैं, और वेसल्स के चौड़े और छोटे सेल्स होते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रैकीड्स। नाउ वी विल कम टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ट्रैकीड्स और वेसल्स में क्या अंतर होता है? ट्रैकीड्स के जो सेल्स होते हैं लॉन्ग, नैरो एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि दोनों सिरों से नुकीले होते हैं ट्रैकीड के सेल्स, जबकि वेसल के जो सेल्स होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड चौड़े होते हैं एंड पोरस एट बोथ द एंड्स। जो दोनों सिरे होते हैं ये इतने टेपरिंग एंड्स नहीं होते हैं और पोर्स पाए जाते हैं। अभी हमने बताया था मल्टीपल परफोरेशन प्लेट और सिंपल परफोरेशन प्लेट जो होती है, दोनों में से किसी भी तरह की प्लेट पाई जाती है वेसल्स के सिरों पे। सेकंड कैरेक्टर है नॉट जॉइंट लाइक पाइप्स। एक बिल्कुल पाइप की तरह से जॉइंट नहीं होती है ट्रैकीड्स, ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के, जो इसके जो एंड वाले सिरे होते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो ट्रैकीड्स दे आर नॉट जॉइंट लाइक पाइप्स, पाइप की तरह से जॉइंट नहीं करती हैं, जबकि वेसल्स दे आर जॉइंट बाय ट्रांसफर पोर्स एंड फॉर्म लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके जो एक के बाद एक सिरे हैं वो जॉइंट कंटिन्यूशन में रहते हैं और एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कि वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है। थर्ड पॉइंट है कि ट्रैकीड्स आर रिप्रेजेंटेड एज वन सेल। एक ट्रैकीड एक सेल होता है, एक सेल के डेवलपमेंट से एक ट्रैकीड का निर्माण होता है। सिंगल सेल कन्वर्ट्स इनटू ट्रैकीड्स, जबकि जो वेसल्स होते हैं दे आर यूनियन ऑफ सेल। जैसे एक जो ट्रैकीड है उससे दो वेसल्स बन सकती हैं, दो वेसल के सेल्स का निर्माण होता है। हमने पहले भी कहा था कि ट्रैकीड के जो सेल्स होते हैं वो लेंथ में, तो इनकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है और विड्थ इंक्रीज हो जाती है और वेसल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसफर वॉल इज कंप्लीट। सिर्फ ट्रांसफर वॉल्स जो सिरे होते हैं उन पे पोर्स पाए जाते हैं जिससे कि पानी एक सिरा दूसरे ट्रैकीड के सिरे के ऊपर ओवरलैप करता है। इसलिए जो ट्रांसफर वॉल्स होते हैं इसके पोर्स पाए जाते हैं जिससे कि एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड के अंदर पानी चला जाता है, जबकि जो वेसल्स होते हैं उनके सिरों पर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं ट्रांसफर मेम्ब्रेन्स में, और ये जो पोर्स होती हैं या ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है परफोरेशन प्लेट। ये परफोरेशन प्लेट दो टाइप की होती है, सिंपल परफोरेशन प्लेट एंड मल्टीपल परफोरेशन प्लेट। तो ये जो परफोरेशन प्लेट होती है एक वेसल के ऊपर दूसरे वेसल की पड़ी होती है जिससे कि एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे कि वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेसल्स। सो वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। नाउ वी विल कंटिन्यू और इन द थर्ड कंटिन्यू विद थर्ड एलिमेंट ऑफ जाइलम, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, और वी कैन से जाइलम फाइबर्स। ओके, थैंक यू।